देखिए, एक सज्जन का सवाल था कि भाई जो मेरी पत्नी है वो मेरे फैमिली मेम्बर्स को अपने घर में रखने के लिए रेडी नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनको आपका पति या आपका पत्नी, मतलब जोड़े में से कोई भी एक, परिवार में रखने के लिए तैयार नहीं है, घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? ये सवाल आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि भाई मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे आगे किसी को नहीं रखना है घर के अंदर, ना कुछ करना है। तो ये एक सवाल था कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करें। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय बाबा महाराज की कृपा से आपको बता रहा हूँ, आप ये उपाय कीजिए अपने घर में, फ़र्क 100% आएगा, बिल्कुल चेंज होगा, 100% होगा। और आपको बस एक काम छोटा सा और करना है, उपाय करने से पहले इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर ज़रूर करना है, ताकि जो आप परेशान हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो और भी भक्त इस वीडियो को देख सके, और बिना पैसा खर्च किए, बिना किसी तांत्रिक या किसी चक्कर में पड़े हुए, किसी झोल में पड़े हुए, वो अपने घर की समस्या को सॉल्व कर सके। जय बाबा की, जय जय दामाहार की, जय बागड़ सरकार की, सदाई जय, सदाई जय, सदाई जय। तो देखिए, सवाल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फिर से एक बार सवाल रिपीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लव रिपीट नहीं, कि भाई अगर आपका पति या आपकी पत्नी घर में किसी दूसरे बंदे को रहना नहीं चाहता, रखने नहीं चाहता, चाहे वो आपकी माता हो, आपके पिता हो, आपका भाई हो कि बहन हो, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ दो तरीके होते हैं काम, उस कार्य को संपूर्ण करने के, ताकि घर में प्रेम बढ़ जाए, आपस में प्रेम बढ़े और वो उसको रखने के लिए रेडी हो जाए। तो यहाँ दो तरीके हो सकते हैं, एक जो ऐसा नहीं कर रहा है उसके साथ किया जाएगा प्रयोग, और एक जो विक्टिम है यानी कि आपके माता पिता जो भी हैं उनके साथ ये प्रयोग किया जाएगा। दोनों प्रयोग बता देता हूँ। पहला प्रयोग, जो ऐसा नहीं कर रहा है यानी कि आपका पति है या आपकी पत्नी है, जो उनको रहने नहीं दे रहा है घर में, उनके साथ एक प्रयोग करना है छोटा सा। क्या करना है आपको कि आप छोटा सा एक कार्य ये कीजिएगा कि थोड़े से आप चावल लीजिएगा, आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बस इंग्लिश में राइस और हिंदी में चावल कहते हैं, मोस्टली जगह चावल धान भी बोलते हैं कई जगह, तो चावल लीजिएगा। और चावल लेकर जो है अपने इष्ट के चरणों में डाल दीजिएगा, मतलब किसी भी एक छोटी सी कागज़ की पुड़िया बना सकते हैं, या कटोरी, या कैसे भी आप ले सकते हैं, उसमें थोड़े से चावल लीजिएगा, टूटा हुआ चावल ना हो, साबुत चावल हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टूटा हुआ होगा तो आपके परिवार के रिश्ते भी टूटेंगे, तो टूटा हुआ चावल ना हो, साबुत चावल हो, और साबुत चावल हो उसको आप अपने ईस्ट के, जो भी आपके ईस्ट हैं, चाहे आप गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं, चाहे जो कान्हा जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, मतलब जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी भी आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी को देख के नहीं, खुद से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आप उनके चरणों में वो चावल रखिएगा। चावल रख के एक बार पूरी भक्ति से, पूरी ईमानदारी से, पूरी कहते हैं ना भावना के साथ उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है और हमारे माता पिता को रखना है घर में, और ये जो है मेरी पत्नी है या मेरा पति है, इसको नहीं रखने दे रहे हैं। इस तरह से आप पूरी तरह से आप उसको जो है कीजिएगा। और उसके बाद अब देखिए, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो तो आपको इस पूजा को करने नहीं देगा अगर आप उसको बताएंगे, तो इसलिए क्या करेंगे हम उसकी फ़ोटो के साथ यह उपाय कर लेंगे, ठीक है, या उसके किसी प्रयोग किए हुए कपड़े के साथ यह उपाय कर लेंगे, ठीक है। तो जो वो जो चावल हैं, वो चावल आपको क्या करने हैं, उस जो फोटो है या जो प्रयोग किया हुआ कपड़ा है उसके ऊपर से 7 बार ऐसे जैसे नज़र उतारते ना, 7 बार वो चावल को माने हैं उसके ऊपर से, ठीक है, और वो जो चावल है वो घुमाने हैं उसके ऊपर से, और ऊपर से घुमाने के बाद में किसी भी जीव जंतु को वो खिला देने हैं, चाहे आप चिड़ियाओं को डाल दो, गाय को डाल दो, कुत्ते को डाल दो, किसी को भी खिला देने हैं, पर आप आसपास में कहीं गायें हो तो गाय के जो खाना खाती रहती हैं, चारा वारा उसमें डाल दो, या ऊपर छत पे जाके चिड़ियाओं को डाल दो, जहाँ चिड़िया है, कबूतर हो, वो आप उनको चावल चावल खा लेते हैं वो लोग, ठीक है, उनको डाल दें आप। यह प्रयोग आपको लगातार 3 दिन करना है,
लगातार 3 दिन यह प्रयोग करना है। तो इस प्रयोग से क्या होगा कि आपका जो ये समस्या आ रही है घर में कि वो आपके परिवार को रहने नहीं दे रहे हैं, ये समस्या आपकी 99% हॉल हो जाएगी। मतलब उनके जो है ना एक प्यार और द्वेष, जो है द्वेष है वो ख़त्म होकर प्यार की भावना आएगी और वो आपकी बात मानने लगेंगे, ठीक है। दूसरा उपाय आप उनके साथ भी कर सकते हैं जिनके साथ ये हो रहा है, जैसे इनकी आपके माता जी, पिताजी या भाई, जिनको भी एंटी क्लॉक हो रहा है उनके साथ भी यह उपाय आप कर सकते हैं। सेम, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, बस फोटो और कपड़ा उनकी जगह इनका हो जाएगा। आपकी वाइफ या पति की जगह कपड़ा आप प्रयोग किया हुआ कपड़ा प्रयोग कर रहे हैं या फोटो प्रयोग कर रहे हैं, तो ये उनका हो जाएगा जिनके साथ ये हो रहा है, माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, जो भी हैं, तो उनके साथ सेम इसी तरह से 7 बार उतार के लगातार 3 दिन पक्षियों को खिलाना। इससे होता क्या मैं बताऊँ आपको, नॉर्मली आप जो प्रार्थना करते हैं सारा खेल उस प्रार्थना का है, जो आपने अपने दिल से प्रार्थना की है अपने ईष्ट के पास, क्योंकि जहाँ आप अपने पूजा घर में अपने ईष्ट के साथ प्रार्थना करते हैं तो वहाँ आपके कुल के देवता भी होते हैं, आपके पितृ भी होते हैं, स्थान के देवता भी होते हैं, और आपके अपने जो ईष्ट हैं वो भी विराजमान होते हैं। हमारे सनातन में कहा गया है कि जब हम किसी को स्थान देते हैं, हम पूजा पद्धति अपनाते हैं, तो हमारे यहाँ विराजमान किया जाता है, स्थान दिया जाता है हमेशा। अगर हम कोई तस्वीर भी लगा रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर स्थान देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम भाई हमने ऐसा तो होता नहीं ना कि पूजा घर में एक तस्वीर लगाई आज यहाँ रखी है, कल को उठा के वहाँ रख दी, परसों को उठा के वहाँ रख दी, ऐसा नहीं होता। रखते हैं एक ही जगह रखते हैं हम लोग स्थान पर। बहुत ज़्यादा क्या होगा जब कभी मंदिर की सफाई करते हैं महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में, तो उनको हटाते हैं और वापस वहीं लगा देते हैं, ऐसा नॉर्मली होता है, ठीक है। तो हम स्थान देते हैं, विराजमान करते हैं, तो सब वहीं रहते हैं, वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं, ठीक है, अगर आपने पूरे दिल से करिए। अच्छा, अब बाकी जो ये उपाय है चावल, इससे क्या होता है, इससे आपके घर के अंदर जो बंधन होते हैं, प्रेम के बंधन होते हैं, जिन पे कुछ द्वेष आ जाए या नज़र टोक खाए लग जाए, या आपके पति पत्नी पर या आपके उन पर किसी पर कोई नेगेटिव एनर्जी का कुछ इम्पैक्ट होगा जिसकी वजह से ये सब काम हो रहे होंगे, तो वो सारे काम जो है ना ख़त्म हो जाते हैं इस उपाय से। तो फिर वही आपकी जो सेटिंग है वो अच्छी हो जाएगी, आपके घर वाले, आपके परिवार में सब में प्यार बढ़ेगा और सब लोग एक साथ रहने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। बस एक काम ज़रूर करना है आपको इस वीडियो के बाद में, एक पहला कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई बहुत लोग हैं जो आज कभी किसी को पैसा दे देते हैं, कभी किसी को पैसा दे देते हैं, फंसे हुए हैं पैसे के चक्कर में, उनको चेला गोरख का ये चैनल बिना पैसे के सोल्यूशन देता है और उनकी लाइफ में जो समस्या उनको ख़त्म करने के लिए एक राह दिखाता है। तो इस चैनल को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा काम क्या करना है आपको, कमेंट में अगर किसी के भी घर में ये समस्या हो रही है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, नाम बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी पर बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय जय गुरु गोरखनाथ।